Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, कल हमने हिंदी में पार्ट तीन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पढ़ा था. उसमें हमने पढ़ा सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने एक भाषण को देते हुए की थी. 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है और हमें हर रोज योगासन करना चाहिए. दुनिया के 177 से भी अधिक देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया था. 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सहमति देते हुए हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी. हम अपने पाठ में पढ़ेंगे योग दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग कितने लोगों ने भाग लिया? 36,000 लोगों ने भाग लिया. भारत के प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव ने 35 मिनट का विशेष पैकेज तैयार किया, जिसका सीधा प्रसारण मीन्स लाइव टेलीकास्ट किया गया और सभी लोगों ने उसे देखा. राजपथ पर हुए इस समारोह ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की स्थापना की. जो हमारा सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को दिल्ली राजपथ पर किया गया था, उसने गिनीज बुक में अपने वर्ल्ड को रिकॉर्ड किया था. 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे. पहला है 35,985 लोगों ने एक साथ योग क्लास में योगाभ्यास किया, मीन्स 35,985 लोगों ने एक साथ योग किया था. दूसरा है 84 देशों के लोगों द्वारा एक साथ भाग लेने का रिकॉर्ड. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की. जो हमारी श्रीमती सुषमा स्वराज है विदेश मंत्री, उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह चल रहा था वो उसकी हेड बनी थी. उनकी देखरेख में ये किया गया था. 21 जून 2016 को आयुष मंत्रालय ने द नेशनल इवेंट ऑफ मास योगा डेमोंस्ट्रेशन में सामूहिक योग प्रदर्शन सभी लोगों का एक साथ मिलकर नामक एक समारोह का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया. ये हमारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कहां मनाया गया? चंडीगढ़ में. सबसे पहला हमारा मनाया गया दिल्ली में राजपथ पर, दूसरा चंडीगढ़ में, तीसरा लखनऊ उत्तर प्रदेश में. यही सब आज हम अपने पाठ में पढ़ेंगे. तो चलिए बच्चों, अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. यह पहला अवसर था जब विश्व भर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने योगिक क्रियाएं की. भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई. योग दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया. ये सबसे पहला अवसर था जिसमें विश्व भर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योग किया था. भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई. योग दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 36,000 लोगों ने भाग लिया. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी न केवल इस कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि उन्होंने अग्रिम पंक्ति में बैठकर सब लोगों के साथ योग भी किया. अग्रिम मीन्स आगे वाली पंक्ति में बैठकर योगिक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए भारत के प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव ने 35 मिनट का विशेष पैकेज तैयार किया था.
दुनिया भर के लोगों ने इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, देखिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है लाइव टेलीकास्ट, मीन्स जिस समय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसी समय दिखाना। जैसे आप टीवी में देखते हैं ना कि वहाँ पर ये सब हो रहा है, वो क्या है? लाइव टेलीकास्ट। जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हो, वो क्या होता है? लाइव। ओके, संभवतः ऐसा अनुपम दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया। राजपथ पर हुए इस समारोह ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की स्थापना की। एक तो दुनिया की सबसे बड़ी योग क्लास यानी 35,985 लोगों द्वारा एक साथ योगाभ्यास करना, और दूसरा 84 देशों के लोगों द्वारा एक साथ भाग लेने का रिकॉर्ड। राजपथ पर जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह हुआ तो उसमें एक साथ 35,985 लोगों ने योग किया था और 84 देशों के लोगों द्वारा एक साथ भाग लेने का ये रिकॉर्ड बनाया था। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य एक शब्द है देखिए जिसका अर्थ है अवसर, उपलक्ष्य मीन्स अवसर, उपलक्ष्य अवसर, भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। टाइम्स स्क्वायर से पूरी दुनिया के दर्शकों के लिए इसका प्रसारण किया गया। इससे संपूर्ण विश्व के लोगों में योग के प्रति समझ बढ़ी। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी पूरी दुनिया में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा सभी सरकारी विभागों को पत्र जारी कर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जोर शोर से मनाने तथा इसमें युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी पर, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया था, जिसमें भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा क्या किया गया बेटे, सरकारी विभागों को पत्र भेजे गए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जोर शोर से मनाने और इसमें युवाओं को भाग लेने पर बल दिया गया था, बल दिया गया। 21 जून 2016 को आयुष मंत्रालय ने द नेशनल इवेंट ऑफ मास योगा डिमोन्स्ट्रेशन नामक एक समारोह का आयोजन चंडीगढ़ में किया था। पहला कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में राजपथ पर, और दूसरा चंडीगढ़ में, जिसमें अन्य लोगों के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो बेटे, सबसे आगे कौन बैठे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 का विषय था कनेक्ट द यूथ, मीन्स लोगों को एक साथ जोड़ना। मुख्य समारोह हरियाणा और पंजाब की सम्मिलित राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें अन्य गणमान्य लोगों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया। हजारों लोग जब एक साथ योग कर रहे थे तो एक दुर्लभ सा दृश्य दिखाई दे रहा था। विभिन्न राज्यों की राजधानियों तथा अन्य स्थानों में भी राजनेताओं और आम लोगों ने भी एक साथ बैठकर योगासनों को संपन्न किया। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के स्थायी मिशन ने इस अवसर पर समारोह का आयोजन किया। क्या कहा है? कि जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 मनाया गया, वह कहाँ पे मनाया गया? चंडीगढ़ में। उसमें हजारों लोग एक साथ योग करते हुए दिखाई दे रहे थे और वो दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। ने इस अवसर पर समारोह का आयोजन किया जिसमें
ने भी एक साथ बैठकर योगासनों को संपन्न किया। क्या कहा बेटे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2016 का विषय था वो क्या था, कनेक्ट द यूथ। इस समारोह को कहाँ पर मनाया गया, चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था, जिसमें गणमान्य लोगों के साथ देश के प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया था और हजारों लोग जब एक साथ योग कर रहे थे तो वह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। विभिन्न राज्यों तथा अन्य स्थानों में भी राजनेताओं और आम लोगों ने भी एक साथ बैठकर योग किया। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के स्थायी मिशन ने इस अवसर पर समारोह का आयोजन किया, जिसमें कन्वर्सेशन विद योगा मास्टर्ड योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी स्थायी विकास के लिए योग को मुख्य बिंदु माना गया। अमेरिकी राजधानी के कैपिटल हिल से लेकर न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तक देश के कई शहरों में योग कार्यक्रम के आयोजन किए गए। संपूर्ण विश्व योग ऊर्जा से तरंगायित हो उठा। तरंगायित एक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रसारित हो उठा, मीन्स तरंग के रूप में फैलना। देखिए तरंगायित मीन्स तरंग के रूप में फैलना, प्रसारित होना, चारों तरफ फैल जाना। तीसरा योग दिवस 21 जून 2017 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। पहला कहाँ पर हुआ, दिल्ली में राजपथ पर, और दूसरा हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में, और तीसरा योग दिवस है बेटे लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस समारोह में लगभग 150 देशों ने भाग लिया था। इसमें प्रतिभागियों की संख्या अनुमानित 51,000 थी। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय था योगा फॉर हेल्थ। चौथा योग दिवस 21 जून 2018 को मनाया गया। इसका विषय था शांति के लिए योग। योग भारतीय ऋषियों की खोज है। भारत में ही योग का विकास हुआ। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र पुस्तक लिखी, जिसमें अष्टांग योग के नाम से योग को 8 भागों में बांटा गया। इस पुस्तक में योग की एक एक क्रिया के शरीर पर पड़ने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया गया है। महर्षि पतंजलि ने एक योग सूत्र की पुस्तक लिखी है, जिसमें अष्टांग योग के नाम के आधार पर योगों को 8 भागों में बांटा गया है। और इस पुस्तक में योग की एक एक क्रिया जिसका शरीर पर छोटे से छोटा प्रभाव पड़ता है उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। आज वैज्ञानिक जानकर हैरान है कि योग से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मानसिक विकार, अवसाद, यकृत और गुर्दे के रोग, फेफड़ों के रोग, स्कर्मक रोग, मधुमेह, यहाँ तक कि जानलेवा कैंसर, जानलेवा का अर्थ होता है घातक या फिर प्राण लेने वाला, जानलेवा घातक या फिर प्राण लेने वाला कैंसर, टीवी आदि रोग भी ठीक होते देखे गए हैं। किससे, योग से। अगर हम योग करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली अनेक बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। आशा है आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को दिल्ली में राजपथ पर मनाया गया, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठकर
योगासन किया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2016 को चंडीगढ़ में मनाया गया। इसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और बाबा रामदेव द्वारा 35 मिनट का एक पैकेज तैयार किया गया, जिसका सीधा प्रसारण भी किया गया, मीन्स लाइव टेलीकास्ट किया गया और सभी लोगों ने उसे देखा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया गया। यही सब आज हमने अपने पाठ में पढ़ा है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।